बीजेपी इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष फॉर्मर डिप्टी सीएम डॉक्टर निर्मल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज मीटिंग हुई, मैराथन मीटिंग आपकी चली, क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो 2024 का जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है उसके लिए पूरी तैयारियां कर रही है, और क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है इम्पोर्टेंट ये एक पक्ष रहता है कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारा विजन क्या है जम्मू कश्मीर के बारे में, आज तक हमने क्या किया और आगे क्या करेंगे, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो मैनिफेस्टो है उसकी आज कमेटी की मीटिंग थी। और हमारे जो इलेक्शन प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्री जी कृष्णा रेड्डी जी वो रहे, लगभग 2.5-3 घंटे ये मीटिंग चली है और सभी पक्षों के ऊपर जो है चर्चा हुई है। हमने क्या किया है कि हम लोगों तक जाएंगे, क्योंकि ये लोगों का मैनिफेस्टो होगा और लोगों का फीडबैक लेने के लिए लगभग 7 टीम्स हमने बनाई हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग क्षेत्रों में वो जाएंगी और लोगों से फीडबैक लेंगी, अलग अलग सेक्शंस की फीडबैक लेंगी, चाहे वो आर्थिक जो पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, या सामाजिक हैं, या बाकी लोग हैं, यहाँ की कई प्रकार की सेक्शंस हैं, उनको सभी को मिलेंगे। हमने कोशिश की है कि कई जो ऐसे लोग हैं जो अपने एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया है, तो ये हम जो है 15 अगस्त तक ये पूरा करेंगे, उसके बाद जो ड्राफ्ट करवा के करके बना के और हम जो है केंद्र को भेजेंगे और अल्टीमेटली ये चूँकि ये पहली मीटिंग है आपकी, और ऐसे में स्टेटहुड का जो मसला है, क्योंकि बहुत मांग है सभी पार्टियों की स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, उस पर भी बात की गई है? देखिए, ऐसा है कि जब मैनिफेस्टो की बात है तो मैनिफेस्टो में जो है जो सभी पक्ष जो हैं उन पर चर्चा हुई है, यहाँ का आर्थिक पक्ष क्या है, जो हमारी आज तक की अचीवमेंट्स क्या हैं, कैसे लोगों के पास लेके जानो, आगे का विजन क्या है, तो विभिन्न चीज़ों के स्टेटहुड भी एक मुद्दा है आपके। देखिए, मुद्दे कुछ चर्चा में ज़रूर आए हैं और डेफिनेटली जब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर जो स्टेटहुड देंगे और जब ये सारी बातें हुई हैं तो डेफिनेटली वो पार्ट हमारा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन क्या अपने समय पे सितंबर में, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हो पाएंगे या विलंब हो सकता है जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर? देखिए, इसमें अभी संशय नहीं रहना चाहिए। कल भी मैं आप ही के चैनल पर डिबेट में था तो मैंने साथियों को कहा भाई तैयारी करो भाई, अभी तक क्योंकि आप तैयारी करो, जल्दी से जल्दी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बनेगी और हम उसमें पार्टिसिपेट करें, और भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए यह सारा एक्सरसाइज कर रही है, क्योंकि हम शुरू से ही लगातार हम लोगों में हैं, तो इसलिए इसमें संशय नहीं रहना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने जो ये उधमपुर में जब इलेक्शन के लिए आए थे तब कहा, 21 जून को जो है योगा डे में उन्होंने कश्मीर में कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन आ रहा है, उन्होंने जो है ऑफिसर्स के लिए डायरेक्शन कैसी ट्रांसफर से वो आ गई हैं, हमारे गृहमंत्री जी ने जो पार्लियामेंट में कहा है, इसके बाद अभी कोई अपना जो अंधेरे में रहना चाहिए कि संशय नहीं है इलेक्शन इसी साल हो सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि 15 अगस्त तक जो ये कवायद है इसको मुकम्मल किया जाएगा और जो एक ड्राफ्ट है उसको बनाया जाएगा, तो हम ये माने कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो कुछ महीनों में आ सकता है या कुछ दिनों में आ सकता है? देखिए, ऐसा है कि एक तो इलेक्शन कमीशन अपने तरीके से डेट जो है अनाउंस करेगा, जब कैसे भी करेगा उनका प्रायोरिटी है, ये पार्टी का मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ आप। नहीं, मैनिफेस्टो तो हमने कहा कि हम जो है 15 अगस्त तक ये एक्सरसाइज पूरी करेंगे हम, और जिस प्रकार से पूरी एक्सरसाइज उसमें मीटिंग भी होगी इसके बाद या कुछ मीटिंग्स होंगी या उसके बाद क्या? बिल्कुल होंगी, क्योंकि हमारे कई काम करने के कई लेयर्स रहते हैं, लोगों में जाएंगे, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगालेंगे, आगे क्या करना है एक्सपर्ट से हम जो है उसका सुझाव लेंगे, और जो अलग अलग क्षेत्रों से, कश्मीर से, रजौरी पुंछ से, डोडा से, उधमपुर से, कठुआ से, रजौरी बनी बिलावर से, सभी पूरे जम्मू क्षेत्र से, बॉर्डर से, सभी जो आएंगे और अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे विस्थापित हैं, जैसे जो है विस्थापित वर्ग है, जैसे जो है हमारे रिफ्यूजीज हैं, जिस प्रकार से बॉर्डर के सबसे बातचीत होगी, तो 7 कमेटीज जो हैं वो तश्कील की गई हैं, ये विभिन्न जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनसे बातचीत होगी और 15 अगस्त
तक जो है इसको ड्राफ्ट किया जाएगा और जो इलेक्शन है उसमें किसी तरह की अब आशंका जो है संशय नहीं होना चाहिए, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू।